भारत त्योहारों का देश है। इसमें हर महीने कोई ना कोई त्योहार आता रहता है और मिठाइयाँ त्योहार का तो बहाना होता है, मिठाइयाँ भरपूर पेट भर के खाने के लिए। तो जैसे रामनवमी आने वाली है उसमें हम प्रसाद बनाएंगे, तो आज हम अंगूर से बहुत ही यूनिक रेसिपी बनाने वाले हैं। वो सालों साल चलेगी। इसे दो तरीके से बनाएंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, जिससे कि हर स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताए हैं आप अपनी रेसिपी में बना सकते हैं। ट्राई ज़रूर करें इस रेसिपी को। तो इसे बनाना है बिना झंझट, बिना मेहनत और झटपट से ये बन जाता है। तो ये हमने आधा किलो अंगूर ले लिया हुआ है। ये अंगूर अब मार्केट में देखें तो 50 रुपये में 1.5 किलो मिल जाता है आसानी से। तो हम क्यों ना इसे सालों साल रखे स्टोर करके। तो इस तरह से हमें ख़राब अंगूर को निकाल लेना है। अच्छे अंगूरों से ही हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं चाहिए अच्छे अंगूर। तो इस तरह के अंगूर हमें चाहिए जिसमें कोई भी दाग और सड़ा गला ना हो। तो हमने इसे धो लिया है 2-3 पानी, और इस तरह से हमें तोड़ तोड़ कर सभी अंगूर को ले लेना है। इस बात का ध्यान रखें कि अंगूर खराब वाले हिस्से को निकाल दें जो भी खराब हो। तो हमने अंगूर को तोड़ के लिया, उसके बाद पानी में रखा हुआ है और अच्छे से एक बार फिर धो लेंगे। और उसके बाद जो खराब अंगूर थे उसे भी हमने निकाल दिया हुआ है। इसे हम फेंक देंगे या किसी रेसिपी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इडली का सांचा लिया हुआ है। सांचे में हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा अंगूर भरते जाएंगे। आपको मैं बताऊंगी कि ये हम उबाल भी सकते थे, लेकिन उबालने से इसके जो पोषक तत्व होते हैं अंगूर के वो पानी में ही रह जाएंगे और वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके पोषक तत्व को बचाने के लिए इस तरह से आप इडली के सांचे में भरकर बनाएंगे, तो इसके पोषक जो तत्व हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। एक दूसरा भी तरीका मैं बताऊंगी जिससे भी आपके जो अंगूर के पोषक तत्व हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इस तरह कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में एक बर्तन रख दें टोप या नीचे पानी डालना है, तो इस बात का ध्यान रखें। और अंगूर को इस तरह से भर लेंगे और उसके बाद हमें इस पे एक छन्नी टाइप में रखना है जिससे कि बाफ जो है अंदर तक जाए। और इसी तरह से इसे ढककर हम 7 से 8 मिनट अच्छे से पका लेंगे। इस ट्रिक से भी आप उबाल सकते हैं। तो इस ट्रिक को हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, पहले वाले ट्रिक को ही इस्तेमाल करेंगे। इडली का सांचा मैंने गर्म होने के लिए पानी डालकर रख दिया था, तो इडली के हर सांचे को इसमें 1 by 1 डालेंगे। तो इस तरह से हमें अच्छे से सेट कर लेना है। देखना है कि ये नीचे पानी में ना लगे, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये ऊपर वाला थोड़ा सा सांचा बैठ नहीं रहा था, तो इसे सेट करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो हमने अंगूर के थोड़ा इधर उधर किया और फिर उसके बाद हमने प्लेट को लगा दिया और आसानी से हमारा प्लेट लग गया। इसे हम 7 से 8 मिनट पकाएंगे। जब ये हल्का पीला हो जाए, इस तरह का देखिए ध्यान से, तो इस तरह का हो जाए तब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। बहुत हमें इसे पकाना नहीं, बस इसी स्टेप पर हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसे रख देना है ठंडा होने के लिए। इस तरह से निकाल के जब ये हल्का ठंडा हो जाए तब हमें प्लेट लेना है, या आप कपड़े पर भी डाल सकते हैं। तो मैंने प्लेट में डाला क्योंकि मुझे छत पे डालना था। इसे 2 थाली में डाला है और इसमें कुछ अंगूर ख़राब थे, ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे, तो उसे हमने एक छोटे से प्लेट में रख दिया जिससे कि हमारी जो मुनक्का है वो अच्छा बने। तो हमने 2 दिन की धूप में ये देखिए हमारा मुनक्का बनकर तैयार हो गया है। तो ये लीजिए, तो बिल्कुल भी ये सालों साल रखिए, चाहे फ्रिज में रखें चाहे बाहर रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये कितने अच्छी क्वालिटी का बनकर तैयार हुआ है, बिना मिलावट बिना झंझट आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी से मैंने इसे बनाया हुआ है। जो सॉफ्ट हो गया था वो भी अच्छे से बना हुआ है।
तो ये दोनों में थोड़ा 19-20 का फर्क है। तो इस तरह से आप बनाइए और सालों साल रख दीजिए। तो आई होप आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है आप जब मुझे कमेंट करते हैं। तो इस तरह से एयरटाइट कंटेनर में आप रख दीजिए और उसके बाद फ्रिज में चाहे बाहर रखिए। अब को जब भी लड्डू या मिठाई या प्रसाद बनाना हो तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी, प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अपनी एक नई रेसिपी के साथ।